हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीत भट्ट और आप देख रहे हैं टेक गामा। आज हम बात करेंगे स्वदेशी ऐप संदेश के बारे में। आज हम करेंगे इस ऐप का रिव्यू और देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता, सब आज हम इस वीडियो में बता देंगे। बट हाँ दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, प्लीज टेक गामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए करते हैं हम श्री गणेश। तो ये है हम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ संदेश ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो मैं इस ऐप को डाउनलोड कर देता हूँ और आपको अगर ये ऐप डाउनलोड करना हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट डाउनलोड होने के बाद मैं इसका आपको रिव्यू दे देता हूँ। संदेश ऐप यानी GIMS ऐप, मतलब गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। जो ऐप हमारे अंदर इंस्टॉल हो चुका है, यह है उसका ऐप, और उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो उसको हमें कुछ परमिशन देनी होगी, वो हम परमिशन दे देते हैं फटाफट। तो आप GIMS में आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। बट ईमेल से आपको लॉगिन करना है तो आप सिर्फ गवर्नमेंट जिमेल के जरिए ही लॉगिन कर पाओगे, इसलिए हम मोबाइल से हम लॉगिन कर देंगे। तो ये है GIMS यानी संदेश का इंटरफेस। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो और इसके राइट साइड में हमें ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप ये प्लस आइकन पर क्लिक करके आप ग्रुप भी बना सकते हो और उसके राइट साइड में हमें सब कुछ कॉन्टैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। अभी एक ही कॉन्टैक्ट सेव है। उसके राइट साइड में हमें सेटिंग्स का बटन हमें देखने को मिल जाता है, उसमें आप नोटिफिकेशन, बैकअप सब कुछ आप देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये GIMS यानी संदेश एक एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एक मैसेजिंग ऐप है, इसीलिए उसकी प्राइवेसी भी बहुत अच्छी है। तो बात कर रहे हैं हम मैसेज की, तो हम मैसेज भेज सकते हैं और इसमें स्टिकर भी उपलब्ध है जिसका नाम है जिमोजी। आप कई सारे जिमोजी आप भेज सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ही है और ये काम के गवर्नमेंट काम के लिए ही यह उपयोग किया जाता है। और बात करें उसमें अदर फीचर्स की, तो इसमें हमें टैक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जो हमें किसी भी ऐप में हमें देखने को नहीं मिलता, जिसमें हमें कॉन्फिडेंशियल, प्रायोरिटी, ऑटो रेट, वो सब कुछ हमें टैक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और उसमें हम बात करें तो गैलरी, फाइल, कैमरा, कॉन्टैक्ट, ऑडियो सब कुछ हम उसे भेज सकते हैं। तो इसमें हमें वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब हम उसका टेस्ट करेंगे। तो मैंने ये कॉन्टैक्ट सेव कर लिया है, तो इसमें कॉल लगा रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे वॉइस कॉल की क्वालिटी के बारे में। तो जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी इसकी वॉइस कॉलिंग क्वालिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे कई बार 2-3 सेकंड की मुझे देरी लगी, बट वो हमारे नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो मैं बोलता हूँ वो सामने वाले को 2-3 सेकंड बाद उसको सुनाई देता है, बस वही मुझे दिक्कत हुई और कोई दूसरा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। तो अब हम बात करेंगे वीडियो कॉल की। तो अब हम बात करेंगे वीडियो कॉल की। तो वीडियो कॉल की क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी, बहुत अच्छी लगी। बट जैसा वॉइस कॉल में होता था कि कुछ 2-3 सेकंड की डिले होती थी, वही मुझे दिखने को मिली। बट कोई बात नहीं, वो नेटवर्क में कुछ एरर हो सकता है। बट हाँ, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा इसकी वीडियो कॉलिंग क्वालिटी और वॉइस कॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको एड्रेस देना चाहता हूँ कि आप उससे ज़रूर यूज़ करें। और हाँ, उसको इस ऐप को भी कुछ कुछ जगह से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये ऐप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि किसने ये ऐप बनाया है। तो यह ऐप NIC ने बनाया है, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और जो डिजिटल इंडिया के तहत यह ऐप बना है। तो अब बारी में रिव्यू की। तो मुझे ऐप बहुत बढ़िया लगा और मैं आपको
कहना चाहता हूँ कि आप जरूर उसको यूज करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को साथ बातचीत करके मुझे बताइए नीचे कमेंट में कि आपको क्या यह कुछ डिले या कुछ बग आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या हमें ये ऐप यूज करनी चाहिए। तो मेरा जवाब है हाँ, आपको बिल्कुल ही ये ऐप आपको उपयोग करना चाहिए। आपको बहुत नहीं बट आपको एक बार तो उसका टेस्ट करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि क्या यह व्हाट्सएप की जगह ले सकता है, तो अभी मेरा जवाब है हाँ ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी थी जो मुझे ऐसी लगी कि उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और कई चीजें ऐसे भी लगी जो व्हाट्सएप से जो कंपेयर कर सकता है। तो ये सब आपके ऊपर है, आप उपयोग करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं अब 2-3 दिन के लिए उसको ट्राई करूंगा और देखता हूँ कि मुझे कैसा लगता है। तो बस इतनी थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों प्लीज टैग गामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।